एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? टेक्निकली आज आपका जो टॉपिक जिस पे वीडियो आनी थी वो था आपका अप्रोक्सीमेशन का, लेकिन आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आज तक मैंने अपने यहाँ जितने भी लोग देखे हैं, मैंने आज तक अभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके की हरकतें हो रही हों। आज मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको जिस तरीके से लेना चाहते हैं आप लें। आप सबको पता है कि अभी इस टाइम पे हमारी स्टेट के हालात किस तरह से जा रहे हैं, स्टेट के क्या पूरी दुनिया के हालात किस तरह से जा रहे हैं। हर जगह पे आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों को घर पे रखा हुआ है। ये स्पेशल वीडियो मेरी जम्मू के लोगों के लिए है जो कि अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, या जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, या जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है करने को, वो घर के बाहर बैठ जाते हैं या घरों से देखते रहते हैं चीज़ों को होते हुए। उन लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों को मैं यहाँ पे नहीं कह रहा, आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे को पता है, मैं भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना। मैंने आज तक आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हुए 26 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कभी भी कहीं पे भी किसी लद्दाखी की, या वो लेह से हो या करगिल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कभी उन लोगों ने किसी से बदतमीज़ी की हो। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि उन लोगों ने कभी किसी को कुछ कहा हो, या मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि उनकी किसी से लड़ाई हुई हो। बहुत ही शांति से लोग आते हैं, जो लद्दाख से बुद्धिस्ट आते हैं, लेह लद्दाख से, वो लोगों का मेरे को पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मुझे सबका पता है कि उनका नेचर कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे लोग हैं सब। और जो करगिल से यहाँ पे आते हैं लोग मुहर्रम के टाइम, मैंने मेरे घर के पास से उनका एक पूरा जुलूस निकलता है 20 से 25 हज़ार लोगों का, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि कोई भी किसी भी तरह की बदतमीज़ी उन लोगों ने कभी करी हो। तो यहाँ पे आज मेरे को एक कमेंट आया, जब मैं लेक्चर बनाने लगा था सुबह से, अब मैं वीडियो बनाने लगा था, तो एक कमेंट आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप वो देखें फिर आप बताएं कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या क्या है। ये एक कमेंट है जो आज एक पोस्ट पे हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं जम्मू के, जो अपने अपने घरों पे बैठे हैं, देखो जो लद्दाख से लोग यहाँ बैठे हैं वो पहली बात तो अपनी फैमिली से दूर है, फैमिली से दूर है, उनको ऑलरेडी बहुत मेंटल प्रेशर इस टाइम पे चल रहा है। आप नहीं सोच सकते उनकी सिचुएशन किस तरह की है, क्योंकि आप अपने अपने घरों पे बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ है, उनकी फैमिली की टेंशन उन्हें वहाँ पे है, उनकी फैमिली को उनकी यहाँ पे टेंशन है, लॉकडाउन हो चुका है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी ज़रूरत का सामान नहीं है। उसके बाद जब वो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जम्मू के लोग हैं वो बिहेव कर रहे हैं। ये काफ़ी अपने आप में ही मेरे को खुद पे शर्म आ रही है ये बोलते हुए, कि जिस तरह से वो लोग ये कर रहे हैं। क्या आप इतने गंवार हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से बना है और कहाँ से आ रहा है? क्या आपको ये नहीं पता कि आप लोग किसको क्या कह रहे हैं और किसको कितना हर्ट करेगा? अपने 2 मिनट के मजाक के लिए आप दूसरे लोग के दिमाग पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनको कितना मेंटली हरास कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको, ये पहला कमेंट नहीं है, इसके अलावा भी और कमेंट आए हैं, मैंने पढ़े और मुझे खुद पे शर्म आई है कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरे को बहुत प्राउड फील होता था जब भी मैं कहता था कि मैं जम्मू से हूँ, जम्मू के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वो बार बार नहीं ये चीज़ें कर रहे हैं, वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जिससे कि उन्हीं की तरह कुछ लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप लोग खुद का मजाक बना रहे हैं ये सब चीज़ें करके। ये बहुत ही घटिया हरकत है इस टाइम पे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी क्रूशियल स्टेज पे है इस टाइम पे पूरी कंट्री, किस किस फेस से लोग अपने गुजर रहे हैं। कई लोगों के पास राशन नहीं है घर पे, कई लोगों के पास नहीं है पैसे, लद्दाख भी लॉकडाउन है, यहाँ भी लॉकडाउन है, वो नहीं कर पा रहे, पैसे ट्रांसफ़र नहीं है उनके पास, पूरी चीज़ें वो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग घर पे बैठ के आराम से, कभी कोई रास्ते में दिखता तो उसको बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत गलत है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो ये कमेंट मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, आप समझे इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा कि सब लोग ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खड़े हैं कहीं पे, आपके सामने ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो आप इस चीज़ को रोके,
कोशिश करें कि आप इस चीज़ को होने से रोकें। क्यों होने से रोकें? क्योंकि मैंने जो देखा है, जो लद्दाख से लोग यहाँ पे आए हैं, वो लोग कभी भी आपके साथ ना बहस करेंगे ना कुछ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल हरासमेंट का केस बनता है, जिसको अगर आप, ये वीडियो जम्मू वालों के लिए है, आप लोग अगर ये देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को बढ़ने से रोकें। आप लोगों के सामने अगर ये चीज़ हो रही है तो आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, और ये जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उन्हें रोकें, क्योंकि ये बहुत गलत है। आप सबके सामने ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत शर्मनाक चीज़ है जो मेरे को खुद अभी इस टाइम पे बोलते हुए आ रही है कि मेरे को इस टाइप की वीडियो बनानी पड़ रही है, वो भी अपने लोगों को बताने के लिए कि ये जो चीज़ हो रही है बहुत घटिया है। इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं इसको कुछ और वर्ड्स में बोल सकता हूँ लेकिन मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा, वो कुछ लोग सुन भी नहीं पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग हैं ये अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपका 370 हटा है तो ये लोग अलग अलग हो गए हैं, ये हमारे साथ ही बचपन से हैं, हमारे साथ ही पढ़े बड़े हैं, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि जिन लोगों के लद्दाखी नॉन फ्रेंड्स हैं या नहीं है, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं लद्दाखी जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सिंपल सी कि ये चीज़ें होने से रोकें, क्योंकि ये अब और कुछ नहीं होगा, ये टाइम जो चल रहा है कोरोना वायरस या जो भी, ये सब निकल जाएगा एक टाइम आने पे। जो चीज़ें आप लोग दिमाग में रख रहे हैं लोगों के, ये चीज़ें हमेशा के लिए रह जाएंगी, आपकी छाप इस तरह की छोड़ेंगी कि आप लोगों के लिए कल को अगर कोई बात करेगा तो यही आपकी पर्सनैलिटी सामने आएगी, और ये पूरे जम्मू का नाम ख़राब करेगी, ना ही सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनको रोकें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इस पर कंट्रोल करें। अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो उस पर आवाज़ उठाएं, और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ ये चीज़ करने से रोकें। आज की वीडियो सिर्फ यही है पढ़ाने का, मैंने अप्रोक्सीमेशन की वीडियो लानी थी लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वो लाऊं, तो आप लोगों को कल मैं दूंगा। ये 5 मिनट से 7 मिनट मैंने आपके लिए हैं, कोशिश करें कि आपकी वजह से ये चीज़ें अगर रुक सकें तो इस पर ध्यान दें। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल, और वापस से रिक्वेस्ट है कि ये सारी हरकतें जो आपके इन लोग कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ये आपका नाम ख़राब कर रही है। आप उनका मजाक नहीं बना रहे, आप अपना मजाक बना रहे हो इन सब चीज़ों को करके। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लगे।